1923 पासून गीतेची निर्मिती होते. या ठिकाणाहून देशभरात परदेशात गीताचा ग्रंथ जो आहे आपण जी गीता वाचतो ती पोहोचवली जाते. मात्र याची निर्मिती कशी झाली आणि धर्माच्या या सगळ्या राजकारणामध्ये समाजकारणामध्ये गीतेचं तथ्य काय आहे हे आपण जाणून घेणार आहोत. आता मी सध्या आहे गोरखपूरमधील गीता प्रेसमध्ये. 1923 पासून सुरू झालेला या प्रवास ग्रंथाचा प्रवास कसा झाला हे आपण जाणून घेऊ. सबसे पहिले मुझे बताइए कि इसकी शुरुआत कब से हुई और किसने किसने की. मैं पकड़ लेता सर, इसकी शुरुआत 1923 में जय हनुमान दास जी पोद्दार जी के द्वारा इसका नीव निर्माण पड़ा है. क्या क्यों शुरुआत की और पहले जो गीता निकलती थी तो इस तरह से प्रिंटिंग होता था या किस तरह से होता था? नहीं, इस तरह का पहले प्रिंटिंग नहीं होता था. वो छापे खाने से छोटी मशीनें थी और उस छोटी मशीनें से गीता जो है कि निकलती थी, रामायण निकलता था और उसका प्रूफ बनता था, हाथ से बनता था. इस समय क्या है कि बड़ी बड़ी हमारे गीता प्रेस में मशीनें विदेशों से आ गई है और सब कंप्यूटराइज काम चल रहा है. बहुत ही सुंदर और सुचारू ढंग से पुस्तकों की छपाई और जो है कि नहीं मढ़ाई हो रही है. एक बात है कि कितने बुक्स वर्ष के अंत में यहाँ से बिक जाती है, लोग लेके जाते हैं? ऐसा है, अब तक तो जो है कि 70 करोड़ के लगभग पुस्तकें जो है कि निकल चुकी है और बिक चुकी है. अच्छा, एक साल में जी. कौन कौन सी भाषा में यहाँ से गीता निकलती है? हमारे यहाँ गीता प्रेस 16 भाषा में गीता निकलती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, बंगला इत्यादि 16 भाषाओं में गीता निकलती है. परदेश में भी जाती है? जी हाँ, विदेश में भी जाती है. हर जगह, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, हर जगह यहाँ से जो है कि नहीं कुरियर के द्वारा हम धार्मिक पुस्तकें भेजते हैं. कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे कुल मिलाकर? ऐसा कुछ कुल मिलाकर के कर्मचारी यहाँ लगभग 300 हैं. 300 है जी. कोरोना काल में क्या बंद हुआ होगा पहली बार? कोरोना काल में बंद तो था, जब तक ये जो एक नई लॉकडाउन लगा था तो कर्मचारी आ जा नहीं सकते थे, दुकानें नहीं खुल रही थी, मार्केटिंग नहीं खुल रहा था, तो उस समय सब बंद था. लेकिन गीता प्रेस ने अपने कर्मचारियों को मूल रूप से अब जो है एक नई आधा वेतन दे करके कर्मचारियों को जो है एक नई खाने पीने का काम चलाया है. बंदी ही पीरियड में भी गीता प्रेस ने कर्मचारियों को तनख्वाह दिया है. धर्म की बातें अभी बहुत होती है. एक बात ये भी है कि अभी देख धर्म संसद में ऐसा कहा गया था कि हिंदू धर्म के कि दूसरे मुसलमानों पर अत्याचार करना कि अगर हो जाए तो उनके ऊपर अटैक करना चाहिए, ये कहीं गीता में लिखा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है गीता में कि किसी धर्म के ऊपर जो है कि नहीं हम दबाव डालें या उसको प्रताड़ित करें, ऐसा कुछ नहीं है. गीता जैसे हिंदू का है, हिंदू धर्म अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है, मुसलमान अपना है, सिखाई ईसाई अपना है, सिख अपना है, इसमें किसी का कोई जो है कि नहीं, ये नहीं है कि आप इस धर्म को न मानिए, ऐसा कुछ नहीं. यहाँ पे मुस्लिम लोग भी गीता खरीद? जी हाँ, यहाँ पर भी ये बंगला उर्दू में गीता निकलती है. जैसे 1346 कोट की एक गीता है, 15 रुपये की गीता है और उसको जो है कि नहीं मुसलमान लोग आते हैं, गीता खरीद के ले जाते हैं, गीता का अध्ययन करते हैं, गीता का दान भी देते हैं. कोई पढ़ के आने के बाद आपसे कोई बोला है कि अच्छा है ऐसा कोई? नहीं, गीता का वो लोग विशेषता बताए हैं मुसलमान लोग. बहुत लोग आते हैं, हम लोग यहाँ के सेल्समैन हैं, बहुत लोगों को हम लोगों ने गीता दिया है, वो लोग पढ़े हैं और ले जा कर के अपने हित मित्र को जो है कि नहीं वो वितरित किए. सेल्समैन भी यहाँ पे मुस्लिम लोग हैं कुछ? नहीं, मुस्लिम लोग नहीं है. नहीं, ज़्यादातर से ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, मैंने अपने कर्मचारियों में हिंदू वर्ग ही है. हिंदू वर्ग भी है यहाँ पे. एक ये भी बात है कि गांधी जी का बुक्स, गांधी जी का हस्तलिखित तो एक पत्र भी यहाँ पे है. जी, हमारे जो तो ऐसा बोला जाता है कि गांधी जी मुसलमान के पक्ष में थे, तो यहाँ तो देखा जाता है कि हिंदू के पक्ष में उन्होंने लिखा हुआ पत्र भी है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि गांधी जी मुसलमान के पक्ष में कुछ मैंने ऐसा विपक्ष वाली बात कहे हैं और हिंदू के पक्ष में पक्ष वाली बात कहें, ऐसा कुछ नहीं है. और हमारे गीता प्रेस में उनका हस्तलिखित
पत्र हमारे लीला चित्र मंदिर में अब भी उपलब्ध है, देखने को मिलता है। धर्म के बारे में अलग अलग तरह की जानकारी आप सामने दे लोग बता रहे हैं, इस समय आप क्या कहेंगे लोगों को, इस तरह की जो बुक्स है यानी कि गीता की बुक्स है, तो सही मायने में क्या है इस समय जो है कि नहीं? देखिए, हमारे गीता प्रेस से जो भी पुस्तकें निकलती है, और गीता रामायण या प्रवचन की या सत्संग की जो भी पुस्तकें निकलती है, आप उसको अगर पढ़ेंगे उसमें से एक भी शब्द अपने जो है कि नहीं अपने जीवन में उतार देंगे और उसका उपयोग करेंगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा। लेकिन धर्म की बात जब आती है तो धर्म में ऐसा होता है कि किसी पे अत्याचार नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला जाता है, सभी सुखी रहे जी, ऐसा कहा है। लेकिन अभी जो धर्म के मायने है, कट्टरतावाद आ गया है, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ऐसा धर्म कट्टरता का माने जो है, तो हम लोग तो मैंने यही इसीलिए हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं कि किसी का जो है कि नहीं दुरुपयोग ना हो, किसी का कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई नुकसान ना हो। सुधार हो रहा है धीरे धीरे, जन जागरण में जहाँ तक पहुँच जा रही है गीता और रामायण की या हमारे धार्मिक पुस्तकों की, जो लोग ले जाते हैं पढ़ते हैं या वितरण करते हैं, तो इसका सुधार धीरे धीरे हो रहा है। पहले से बहुत कुछ सुधार हुआ है, भविष्य में और कुछ सुधार होने की चेष्टा की जा रही है। नई जो पीढ़ी आ रही है वो अंग्रेजी में पढ़ते हैं जी, अंग्रेजी में इसलिए पढ़ते हैं कि पहले जो है कि नहीं, पहले की अध्ययन काल में संस्कृत भाषा अनिवार्य था, तो सब लोगों को संस्कृत की जानकारी थी। हमारा वेद पुराण, हमारा उपनिषद, हमारा गीता सब कुछ संस्कृत में ही उपलब्ध रहती थी। लेकिन अब क्या है कि नए नए नवयुवक वर्ग हैं तो वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, कंपटीशन में इंग्लिश मीडियम से ही जो है कि नहीं पेपर आते हैं, तो वो इंग्लिश भाषा को ही ज़्यादा पसंद करते हैं, इंग्लिश की ही गीता को पसंद करते हैं, वो संस्कृत की भाषा उनको जानकारी नहीं है, इसलिए वो संस्कृत से विमुख होते जा रहे हैं, अपने धार्मिक रीति रिवाज को छोड़ते जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक बात, ये सारी चित्र है गीता में भी, चित्र जो दिखाए गए हैं जो अंदर, वो किसने निकाले थे, ये पहले से आए थे? नहीं, ये चित्र तो जो है कि नहीं पहले से ही हैं, ये निकाले नहीं गए हैं, कोई जो है कि नहीं ऐसा नहीं अपने मन से कोई बनाया है कि रामायण पर जो है कि नहीं राम दरबार का चित्र है तो कोई बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है, पहले का ही सब चित्र है, उसमें कोई ऐड नहीं किया। नहीं नहीं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश दिए हैं तो वो चित्र लगा है गीता पर या और पुस्तकों पर, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति कोई बना दिया है, ऐसा कुछ नहीं, वो चित्र पहले का ही है। 1930 की जो गीता थी वही जी 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 जी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। धन्यवाद जी। तर तुम्ही यांच्या बोलण्यातून हीच गोष्ट जाणून घेतली असेल की कशा पद्धतीने लोक वेगवेगळ्या धर्माचे अर्थ सांगत असतात, मात्र कर्म करत राहा, कर्माने माणूस पुढे जातो आणि आपल्या कर्मानेच माणूस मोठा होतो, आणि धर्म देखील हेच सांगतो, हेच त्यांच्या बोलण्यातून समोर येतं। कर्मण्येवाधि कारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करत राहा, फळाची अपेक्षा करू नका, ही गीता सांगते। आणि कर्म जर चांगले असेल तर कोणत्याही धर्मामध्ये त्या धर्माला प्रतारित करणं किंवा त्याच्याबद्दल वाईट बोलणं हे निश्चितपणे वाईटच आहे। गीता वाचून बोला, गीता न वाचता बोलणाऱ्यांची संख्या देशात वाढत आहे। शिवाजी काळे, मॅक्स महाराष्ट्र न्यूज, गोरखपूर।